हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई साहब, घड़ी में बज चुके हैं 4, लेकिन आज तो भैया डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। तो क्या क्लास छोड़ के भाग जाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप सभी लोगों को, आप लोग पढ़ने के लिए आते हो, एंजॉय करने के लिए नहीं। आप मेरा डिजिटल बोर्ड थोड़ी देखने आते हो, आप तो क्लास करने आते हो ना, तो क्लास करके जाओ। आज लाइंस एंड एंगल का 3rd लेक्चर होने वाला है, पता है कुछ तुम लोगों को? चलो, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर इन आरंभ बैच ऑफ NTSC एंड JEE। तो भाई साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग कॉन्स्टेंटली, कैसे, क्या कहते हैं उसको, मतलब एकदम कंसिस्टेंटली, ये ज्यादा सही रहा ना। आगे सारे बच्चे कहाँ हैं? सब लोग, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, इसमें इतनी अनाउंसमेंट और टेस्ट सीरीज। बहुत गलती की है ना भैया टेस्ट सीरीज में, वो वाला क्वेश्चन नहीं विजुअल था भैया, वो वाला विजुअल नहीं था भैया। सॉल्यूशन कब करवाओगे? कराऊंगा, ठीक है, और मे बी पॉसिबल इसी वीक में सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ सॉल्यूशन कराने के साथ साथ, और इस वीक के लास्ट तक आते आते आपको अगले वीक के शेड्यूल का, मतलब फ्री टेस्ट का शेड्यूल भी बता दिया जाएगा, ठीक है? बट पेड वाले टेस्ट में एनरोलमेंट स्टार्ट कर दो तुम लोग, ठीक है? चलो, तभी तो भैया पैसा कमाएंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? ऐसा मत सोचो, ये सब आपके लिए हो रहा है बेटा। बैकेंड में इतना काम, जो भी कुछ हो रहा है, सब आपके लिए हो रहा है, ठीक है? अगर आप मेरे को अच्छे से समझते होगे, तो तुम्हें पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लेवल पे आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आई होप, ठीक है? तो मैथ में हमारा टारगेट क्या होने वाला है भाई? 20 out of 20, जिसके लिए हम लाइंस एंड एंगल का 3rd लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और ये हम लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा है भाई साहब? 43। दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, ठीक है? कीप वर्किंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, और बहुत मजा आने वाला है। दो दो टॉपिक आज बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा दूंगा, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे और मजा आएगा, क्लियर? तो डेली लाइव होता है, ज्वाइन कर लिया करिए 4 बजे। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने बच्चे नए आ रहे हैं इस समय चैनल पर, जो बच्चे नए हैं, पहली बार आए हैं, पुराने बच्चों को तो पता होगा, नए बच्चों को क्या करना है, रैंकर्स NTSC का एक टेलीग्राम चैनल है, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करिए बच्चों, आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तो रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। उसके अलावा 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है बेटा, 6:30 बजे साइंस के कुणाल सर की क्लास चलती है, और 7:30 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास चलती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो तीनों क्लास अटेंड करिए, मेहनत करिए घर पर बैठकर, तभी NTSC क्रैक हो पाएगा, तभी आप लाइफ में बड़ा कर पाएंगे, ठीक है? क्लासेस कब कब चलती है? मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे प्लस संडे ऑफ रखा जाता है। अब आपके लिए, आपको ये भी पता हो गया होगा कि बेसिक मैथ्स के लेक्चर आने शुरू हो गए हैं। कैसा था आज का लेक्चर? यूनिटरी मेथड कैसा था? थोड़ा बताओ भाई साहब, तभी तो मुझे पता चलेगा ना। NTSC के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल प्लेलिस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ जनरल साइंस की, मैथ्स की, और रीजनिंग की कोई भी चीजें तुम्हें चाहिए, सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर पढ़ो, एंजॉय करो, ठीक है? लिंक सब चीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वही है NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज, जिसको ज्वाइन करना है, आई होप सबको ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से ये एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला है, जब तक आप अपने आप को समय समय पर चेक नहीं करेंगे, और वो भी NTSC लेवल का, ठीक है? मेरे पेपर में कुछ गलतियां थी, मेरा पेपर, पहला पेपर में कुछ एक दो ऑप्शन में दिक्कत हुई, कुछ को रीड करने में दिक्कत हुई, इस बार मैं टाइप करवा के लेकर आऊंगा, तो आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी गलतियों पर वर्क करूंगा। बट अगर तुम्हारे नंबर कम आए हैं, 60 आए हैं, 55 आए हैं, तो उसे तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, उसे तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, और ईमानदारी से पेपर दीजिए हर पेपर, ठीक है? चलिए, तो 7 part test, 7 full test इज अवेलेबल टिल NTSC Stage 1। सेट और मैट बिल्कुल इंक्लूडेड रहेगा। पेड टेस्ट 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है भाई साहब, बिना कोर्स की प्राइस बढ़े हुए इसको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि प्राइस कभी भी बढ़ सकती है, ये भी याद रखिएगा। 1 अगस्त से पहले एनरोल कर लीजिए, 1 अगस्त के बाद प्राइस बढ़ा दिया तो भैया ने कहा ना 299 में बढ़ा दिया, तो ठीक है, चलो ये सब सारी चीज़ें मस्ती की हैं, बट एनरोल कर लीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, जितना जल्दी एनरोल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कि हाँ ये बच्चा एनरोल कर लिया है, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चलिए, बातें अपनी, एक सबसे अच्छी बात, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। सो मेहनत करते रहिए, ठीक है?
तो भाई हम ज्योमेट्री में लाइन साइड एंगल पढ़ रहे हैं ना, बताओ यार तुम लोग कहाँ सोए रहते हो। तुम लोग को कितना सवाल कराया था सोचो, है देखो कितना सवाल कराया था भाई साहब तुम लोगों कल, 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। इसका होमवर्क तुम लोग दिए होगे ना, पता है दिए होगे, नहीं दिए होगे तुम लोग मार खाओगे। ठीक है चलो आज मैं, अच्छा उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ। कल हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान देना आप सब लोग, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, सबको चीजें समझ में आनी चाहिए। कल हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल, ये एंगल, अब जो ध्यान देखना है ये एंगल जिसके बाद जो बना रहा हूँ, ये और ये एंगल, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल है। इसके बाद रिवाइज कर लो तुम लोग, ये और ये वर्टिकली अपोजिट, ये और ये वर्टिकली अपोजिट, ये और ये वर्टिकली अपोजिट, ये और ये वर्टिकली अपोजिट। ठीक है ये अब पेन चेंज कर दो, पेन चेंज कर दो नहीं तुम लोग को हवा भी नहीं लगेगा। ठीक है ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है क्या? क्लियर है भाई साहब, क्लियर है। ठीक है और इसका क्या नाम बताया था इन दिनों का, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इनका सम क्या होता है, अगर मैं ये 1 कह दूं ये 2 कह दूं तो 1 + 2 180। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर मैं यहीं पे तीन लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल, तीन ये मेरी पैरेलल है, मान लो पैरेलल है, अगर ये इसके इक्वल है बेटा तो ये किसके इक्वल होगा, कहोगे इसके इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये इसके इक्वल है बेटा तो ये भी इसके इक्वल होगा, तीनों इक्वल होंगे अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है। ठीक है ये रिविजन हो गया डन। अच्छा आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि सपोज ये तीन पैरेलल लाइन है, ठीक, अब इन तीन पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट दी मान लीजिए। ठीक है एक तिर्यक रेखा एक तिरछी रेखा ऐसी है और इसको काट दी, भैया इसका क्या होने वाला है? इसका यार देखो मैं मेनली ट्रायंगल में भी तुम्हें ये चीज पढ़ाने वाला हूँ, बट यहाँ पे भी सब देख लो। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ मैं एंगल से रिलेटेड चीज नहीं बताऊंगा, डिस्टेंस से रिलेटेड चीजों का एक रेशियो बनता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। वो रेशियो कुछ इस प्रकार से बनता है कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन ई एफ। क्लियर है लिख लीजिए, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन ई एफ। क्लियर है उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी भी होगा। क्लियर है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू किसके होगा, डी अपॉन डी एफ की। ठीक है इसको भी लिख लीजिए प्यारे बच्चों। और एक चीज क्या लिख सकते हैं आप, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ई एफ अपॉन डी एफ। क्लियर है ये भी चीज होगी, होगी ना, होगी कि नहीं होगी बता दो, बिल्कुल होगी मेरे दोस्त। ठीक है चलो तो इस चीज को याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा और अगर वहां नहीं कर पाए तो वहां पिटाई होगी। ए बी क्या है, ए बी यहां से यहां तक की लेंथ है, बी सी क्या है यहां से यहां तक की लेंथ, डी क्या है यहां से यहां तक की लेंथ, ई एफ क्या है यहां से यहां तक की लेंथ, और ये ए सी पूरी लेंथ, ये डी एफ ये पूरी लेंथ। क्लियर है क्या? मजा आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया, इस चीज को याद रखना। ठीक है अभी ट्रायंगल में भी ये सारी चीजें आएंगी। अब ये शुरू होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हमें बचपन से सिखाया गया, क्या सिखाया गया है, अगर तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृतियां हैं तो हम उन्हें क्या पुकारते हैं, क्या बुलाते हैं कि भैया ट्राई एंगल। क्यों? क्योंकि इसमें तीन एंगल थे, ट्राई मतलब तीन, और हमें यह भी सिखाया गया है कि ट्राई एंगल के तीनों एंगल, अगर ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, कहोगे भैया 180 होगी। अच्छा भैया ऐसा होता क्या है, क्यों है, हमें प्रूफ भी कराओगे कि भी रटाओगे, प्रूफ करा देते तो मजा आता। चलो अच्छा वाई जेड के पैरेलल एक तुम लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ये पैरेलल लाइन है L1, कंस्ट्रक्शन क्या किया तुमने, L1 लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू, यहां मैं नाम लिख देता हूँ ए बी लिख देता हूँ, तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज करोगे भैया होता एंगल है ना। L1 मैंने ड्रॉ किया किसके, ए बी के पैरेलल। क्लियर है अगर अच्छे ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया तो ए सी यहाँ पे क्या है, इसको बढ़ा दो तुम लोग को तब दिखेगा, मान लो ये ट्रायंगल बढ़ गया। क्लियर है ये ए सी क्या है, क्या है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको बढ़ा लो ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है,
तो भैया अगर ये वाई है तो ये कितना होगा? कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण वाई होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये जेड है, ये क्या है? जेड है। अगर ये जेड है तो ये क्या होगा? कहोगे भैया ये भी तो जेड होगा। अगर ये तिर्यक रेखा है, ये अगर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है तो ये जेड, तो ये जेड। बिल्कुल भैया, बहुत सही बात कही आपने। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हें ये भी तो पढ़ाया बढ़ाया है बताया है, किसी एक स्ट्रेट लाइन पर अगर हम कोई कितनी भी रेखाएं ड्रॉ कर दें किसी एक पॉइंट से, तो ये जो सारे एंगल फॉर्मेट हुए हैं, इन सारे एंगल का सम कितना होगा? कहोगे भैया 180 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो, तो भाई साहब यहाँ पे जो दिख रहा है, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, ये लीनियर पेयर के कारण कितने किसके बराबर होगा? कहोगे भैया 180 के बराबर होगा। क्लियर है क्या? अरे भाई, यहाँ तक अगर क्लियर हुआ हो तब बताओ तुम लोग। पहले रटाया नहीं ना, सिखाया ना, एनसीईआरटी में भी यही प्रूफ दिया हुआ है। भैया अपने से पैदा थोड़ी किए हैं, भैया समझा दिए तुमको बहुत बढ़िया से। क्लियर है? समझ में आया ना कैसे होता है ट्रायंगल में? ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ये वाई, जेड। क्लियर है? तो इसलिए ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए, तो भाई अब एक और थ्योरी, लास्ट थ्योरी इस चैप्टर की बचती है, और पता है इसके बाद आप यहीं पर क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स समाप्त कर दोगे। क्लियर है? क्लियर है ना? है कि नहीं है? नहीं है? क्यों नहीं है? पिटाई हो जाएगी। चल, तो ये कहता है कि इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये पहले समझाओ हमें, हम तो पागल हो जाएंगे आपकी बातों की बातें सुनते सुनते। चलो समझ लो भाई। देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीनों एंगल है ये तीनों इंटरनल कहलाते हैं, ये है आंतरिक कोण। इतनी हिंदी मुझे आती है। अगर ये 1 है, ये अगर 2 है और ये 3 है, अगर आपसे कोई पूछे इस ट्रायंगल में इंटरनल एंगल कितने हैं, तो कह देना उनसे 3 है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अगर यहीं पे मैं इस लाइन को बढ़ाऊं, ठीक है बाबू, इस लाइन को बढ़ाऊं, तो ये भी तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है और ये ट्रायंगल से सटी हुई एंगल है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। सपोज आप यहाँ बढ़ा लिए तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। सपोज आप इसको बढ़ा लिए, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। सपोज आप इसको बढ़ा लिए, सब समझो, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। सपोज आप इसको बढ़ा लिए, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। आपका मन कर रहा है भैया आप ये क्यों छोड़े, इसको भी बढ़ाइए, तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। बिल्कुल है। अब भैया आप हमें पढ़ाना और समझाना क्या चाहते हो, पहले ये बताओ। रुको, इसको मिटाने दो पहले। भैया आपको सिखाना ये चाहते हैं कि इफ अ साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ये एक साइड थी, इस साइड को प्रोड्यूस करना मतलब कि आगे बढ़ाना, ठीक, इस तरह आपने आगे बढ़ा दिया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तब जो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है ये वाला, इसका क्या नाम बताया? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार। देखो अगर इसकी बात करोगे, ये तो एकदम एडजेसेंट एंगल है ना, इसके अपोजिट में इनके कौन है इंटीरियर में? तो कहोगे भैया एक तो ये है, एक तो ये है, मतलब ये वाला और ये वाला। तो भैया साहब ये कहते हैं अगर मैं एंगल 4 हूं तो मैं किसके बराबर हूं? मैं बराबर हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया प्रूफ करके बता दो तो हम मान जाए, तो हम मानने वाले तो है नहीं, हम तो हैं बहुत बिगड़ायल बच्चे। चलिए, तो प्यारे बच्चों कम से कम आप एक बात तो मुझे बता सकते हो। क्या बता सकते हैं भैया? एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 3 बराबर होगा 180 माइनस एंगल 4 के बराबर। क्यों होगा भैया? अरे यार ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल जोड़ोगे तो 180 आएगा। बिल्कुल भैया, क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 180 एक और चीज के बराबर है, किसके बराबर है?
एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री के, बिल्कुल है भैया। तो एंगल थ्री और मन्ने मन्ने 180 की जगह क्या लिख दिया, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री माइनस एंगल फोर, तो अपनी जगह पे था, ठीक है भैया। तो ये एंगल थ्री और ये एंगल थ्री कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे भैया, इनको इस साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएंगे। अब इसी एंगल फोर को आप उस साइड भेज दीजिए भाई साहब, तो एंगल फोर क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं एंगल वन प्लस एंगल टू। और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, इसको अपने भेजे में बैठा लेना, इसका इतना यूज करने वाले हो तुम आगे आने वाले क्वेश्चंस में कि भाई साहब तुम कहोगे हैं भैया इतना यूज है इसका, ट्रांसवर्सल लाइन का, 180 डिग्री लीनियर पेयर का, एंगल सम का बहुत यूज होने वाला है प्यारे बच्चों, तो मजा आएगा, ठीक है। डन, नाइन्थ की कंप्लीट थ्योरी खत्म हो गई, कितने क्लास में, तीन क्लास में, तीन क्लास भी नहीं खत्म हुई। अब क्वेश्चन करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे, तभी तो मजा आएगा। एक बार सारे बच्चे लाइक ठोकेंगे, ठोको, चल बहुत बढ़िया, सब बच्चे लाइक किया करो, हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके, आप मेहनत करके आगे बढ़े, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है और इसके लिए आपको समय मिलता है 25 सेकंड, ठीक है। 25 सेकंड में आप मुझे अपना आंसर बताना शुरू करेंगे और आज के सवाल जितने भी होंगे काफी अच्छे अच्छे सवाल होंगे, तो कृपया अपने आंख कान और नाक को खोल कर ही सवाल लगाएं, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा लगता है बच्चों, आप लोग जिस प्रकार से मेहनत करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और आई होप मेरे मेहनत करने के कारण, मेरी टीम के मेहनत करने के कारण, कुणाल सर के मेहनत करने के कारण आपके अंदर भी वो जज्बा आता होगा कि भैया हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है, यही जज्बा होना चाहिए। चलिए, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ने जो बात कही उसको सुनिए, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो आप चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये आपकी हाथों में होती है, ठीक है, आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। चलिए ठीक है, एंगल ए बी ई इक्वल टू 100 डिग्री और ये भी कह रहा है कि ये 25 डिग्री है, ठीक है, तो फाइंड आपको क्या करना है, सी डी ई मतलब ये वाला एंगल, ठीक। अब ये एंगल आएगा कैसे, मैंने एक काम किया है यहाँ पे ना, इसको प्रोड्यूस कर दिया, किया है ना, इसका कारण है क्या किया है पता है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, भाई साहब क्या सीधी लाइन मैंने खींची है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल भैया बन रहा है। अच्छा दोस्त ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये भी नहीं बता पाओगे ना तो तुम लोग समझ लो पिटाई के लायक हो, ऑफलाइन में बैठे होते तो तड़ाक 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 लग रहा होता। प्यारे बच्चों ये 100 डिग्री है, क्यों डिग्री 100 है ये, क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये क्या उनसा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग, अब ना बताऊंगा बाबा, ठीक है, पढ़ाया हूँ कायदे से। अच्छा भैया ये अगर 100 है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, क्योंकि भैया ये तो 25 दिया हुआ है ना, ये तो पहले ही 25 दिया हुआ है, आप कहीं दिमाग लगा रहे हैं बस। तो भाई साहब अब तो आपसे ये एक्सटर्नल एंगल पूछ रहा है, दिमाग खोल लो, दिमाग खोल लो, ये एक एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल, अभी जस्ट पहले थ्योरी पढ़ाइए। तो भाई साहब आंसर कितना आ रहा है, कहते भैया हम तो कब का आंसर दे के बैठे हुए, आप तो बहुत धीरे लगवाते हैं। अरे दोस्त बाकी जिनको ना समझ में आया उनका क्या करूंगा, उन्हें भगा दूं, क्लास छोड़ के भगा दूं, वो मेरे बच्चे नहीं है, वो मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं और सब बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़िया सवाल था, अब कुछ बच्चों को अगर एक्सटर्नल का आइडिया नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, 100 प्लस 25 125 180 में से घटाएंगे, 180 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल पता चलेगा, जब ये एंगल पता चलेगा तो फिर 180 में से घटाएंगे फिर ये पता चलेगा, और भाई जिसको पता होगा कहेगा कि भाई साहब यही तो प्रूव करके हम पाए हैं उसको। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज बढ़ रहे हैं। चलो इस सवाल को लगाइए, इसके लिए आपको मिलता है 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड, टक 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 टक, मजा आएगा, बहुत मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, जिंदगी में कोई भी चीज इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तुरंत नहीं मिलती है, ठीक है, खूब मेहनत करिए। चलिए प्यारे बच्चों, इन द गिवन फिगर ईसी पैरेलल टू एबी, ईसी जो है वो एबी के पैरेलल है। अच्छा भैया साहब अब आपको दे दिया गया कि बी डी ओ इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड ओ बी डी, पहले तो इतना पता हो गया ना कि जो बीच वाला नाम आता है यही पे एंगल बनता है, ओ बी डी, हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा,
भैया आसान है, हमने तो आंसर दे दिया। अच्छा अच्छा जी, कैसे दिया? ये दोनों लाइन पैरेलल थे भैया, ये हमने मान लिया ट्रांसवर्सल। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, इतना मैट पढ़ाया हूँ तो ये कितना होगा? कहोगे भैया 70। अगर ये 70 है तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एंगल, और ये एक्सटर्नल इसके इसके सम के बराबर होगा। तो भाई साहब इनको कितना होना चाहिए? मान लेते हैं इनको x होना चाहिए, तो x प्लस 20 इक्वल टू 70, x इक्वल टू 50। भैया अब तो हलवा लग रहा है, अब तो मजा ही आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 23 लगाइए इसको, सब बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूँ, ठीक है? जुगाड़ से लेके आता हूँ, बताना मत किसी को, ठीक है? चलो बस मेहनत करो, बस मेहनत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी जान लगा दूंगा, ठीक है? तुम्हें भी पूरी जान लगानी है अपनी इस एग्जाम को फोड़ने के लिए और अपना करियर सेट करने के लिए। गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, डी जो है वो बी एफ के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। अच्छा अच्छा साहब ठीक है, ए बी साहब कह रहे हैं कि हम डी सी के पैरेलल हैं। अच्छा जी ऐसा, तो सबसे पहले हम इस वाले एंगल को निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? अभी पता चलेगा। ये कितने हो जाएंगे? कहोगे भैया ये 65 है तो ये कितने होंगे? 40, 105, तो ये साहब कितने बच रहे हैं? 75 ही तो बच रहे हैं ये साहब। 65 और 40 कितना होता है? 60, 40, 100, 105, तो ये साहब 75। अब ये साहब 75 है, ये साहब और ये साहब पैरेलल हैं, तो ये साहब तो करिस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये साहब 75 होंगे। क्लियर है क्या? अबे भाई क्लियर है क्या? बिल्कुल भैया क्लियर है, एकदम क्लियर कट है। आप क्या हमको हल्के में लिए हैं क्या? अच्छा जी, तो भाई साहब आपने ही सिखाया है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल एंगल है, तो मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है? x प्लस 75 इक्वल टू 180। अरे आया हो, बुझाया हो, आंसर आया हो? बिल्कुल भैया आंसर आ गया है 105 डिग्री, ठीक है क्लियर। अरे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो बाद में बता देना, और क्या, ठीक है? ये कंटेंट बढ़िया मिल रहा है कि नहीं? मैं बढ़िया दिख रहा हूँ ना दिख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये सवाल लगाओ, मजा आएगा। इसके लिए मैं आपको देता हूं 32 सेकंड। ले भाई 2 सेकंड बढ़ा दिया, करिए। बत्तीस सेकंड पहले बच्चों, एन एंगल इज इक्वल टू द 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो ये जो मैं आप क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट लाइन्स एंड एंगल के अब मिक्सअप होके आ रहे हैं। पूरी लाइन्स एंड एंगल्स की मतलब पहली लेक्चर, दूसरी लेक्चर अगर आपने नहीं देखी होगी या हवा नहीं लगेगा, क्लियर? तो मेक श्योर अगर आपने नहीं देखी है तो उसको कवर करिए। ज्योमेट्री अगर मेरे साथ तुम नहीं लाइव कर रहे हो ना, तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, बस मेरा नुकसान नहीं करने वाले हो, पहले ही बता दे रहा हूँ। 9th और 10th की ज्योमेट्री अगर स्ट्रांग करना चाहते हो, रेगुलर हो जाओ, रेगुलर, एकदम सीरियसली बता रहा हूँ, रेगुलर नहीं होगे तुम अपना नुकसान करोगे। चलो, एन एंगल इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही बताया है ना तुमको, कि अगर एक एक्स है तो दूसरा 90 माइनस x होगा, अगर एक वाई है तो दूसरा 90 माइनस y होगा, मतलब इन दोनों का जोड़ हमेशा 90 आना चाहिए, बस हमें इतना ही मतलब है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो भाई साहब एक एंगल हमें पता चल गया एक्स, और एक एंगल हमें पता चल गया कितना? 90। तो भाई साहब कह रहे हैं कि जो एंगल है वो कितना इक्वल है? 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का ये कर दिया 5 टाइम्स, क्लियर? तो भाई साहब x इक्वल टू क्या है? 9 × 5 = 45, 450 माइनस 5x, 5x को उस साइड भेजिए, ये हो गया 6x, 6x इक्वल टू कितना आया? कितना आया मालिक? 450। तो x इक्वल टू कितना आया? 6 × 7 = 45, 56 = 30, तो x इक्वल टू 75। अरे बुझाया, समझ में आया जी? बढ़िया, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए खटाखट खटाखट खटाखट। मच्छर यहाँ पे घूम रहे हैं, मच्छरों से कैसे बचा जाए? क्या ये ऑल आउट से भाग सकते हैं? क्या इन पर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की जानी चाहिए? चलो तो आ रहा है सवाल, वाल लग रहा है बाबू,
है भाई पूजा, इन द गिवन फिगर एक्स इक्वल टू 45, ये साहब है 45 डिग्री। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अरे यार इतना सस्ता सवाल हमसे पूछा गया। अच्छा एक चीज तुम लोगों को पता है कि नहीं, क्या भैया? वर्टिकली अपोजिट जो होता है ना, वो इन दो, ये दोनों लाइन होनी चाहिए। अभी मैं जानता हूँ तुम लोग इन फ्यूचर क्या करने वाले मेरे साथ, जानते हो? एक लाइन ऐसे हो गया, ये ऐसे खींच दिया और ये ऐसे चला गया। अब ये एक अलग रे है, ये एक अलग रे है, ये एक अलग रे है, ये एक अलग रे है। अकोनो मिला कहेंगे भैया ये एंगल अगर एक्स है ना तो ये भी हमारा एक्स होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। मारूंगा दो हाथ, ठीक है? ये लाइन होनी चाहिए कंप्लीट लाइन, इसीलिए वर्टिकली अपोजिट होते हैं और वो लीनियर पे ऐसे प्रूव हो जाता है, ठीक है? समझे बउआ? अच्छा तो भैया हमसे पूछा जा रहा है वाई, तो ए बी एक लाइन है। अगर ए बी एक लाइन है तो भाई साहब एक्स प्लस वाई बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। एक्स की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू हमको निकालना है, ये आ जाएगा 180। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा जी? कहोगे भैया 135 डिग्री, 135 डिग्री। और ऐसे ही सवाल एनटीएससी पूछता है, इससे टफ नहीं पूछता है। तुम लोगों को कौन डरा रहा है जी? डरो मत, अभी पीवाईक्यू भी कल लेके आऊंगा, देखता हूँ। चलो चलो बच्चों, ये सवाल बढ़िया है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा आज, 100 सवाल कराऊंगा भैया। क्या 8-9 बजे तक क्लास चलाने वाले हो क्या? मर जाए हम, पागल हो जाए। चल क्वेश्चन नंबर पहले 26 लगाओ, फिर उसके बाद में बताऊंगा कितने सवाल लगाने वाला हूँ, ठीक है? मुझे मत देखो, सवाल देखो, सवाल लगाओ। चलिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो ए बी लाइन है बाबू, ये सी डी के पैरेलल है। अच्छा जी, मेरा मन कर रहा है एक्सटेंड करने का, कर दूंगा। ई एफ जो है वो डी क्यू के पैरेलल है। अरे भाई साहब बड़ा पेचीदा फिगर बनाया है। अच्छा जी चलिए भाई, हम ये भी मान लिए। अब हमसे कह रहे हैं साहब कि एक्स की वैल्यू बताइए। एक्स कौन सा एंगल है? एक्स ये वाला एंगल है, ठीक है पहले बच्चों? अच्छा भैया, भैया अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए ना, तो हम अपना 180 डिग्री में से घटा फटा के अपना काम कर लेंगे। अच्छा जी, तुमको ये एंगल चाहिए, ले लो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे भैया 34। बिल्कुल एग्रीड, बिल्कुल 34 एग्रीड। तो भाई साहब ये अगर 34 है, ये x है, ये 78 है, तो ये कैसे बनेगा काम? 34 प्लस x प्लस 78 इक्वल टू 180। 8 4 12, दो हाथ में आए, 1 7 3 10 1 11, एक्स प्लस 112 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ रही है? हो गया 12 8 20 और 68। अगर आपका 68 आ रहा है तो हम लोग का भी 68 आ रहा है, हम लोग भी सही किए हैं सर, आप अकेले अकेले थोड़ी किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 डन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पीछे करिए वीडियो को, जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बड़े आसान भाषा में समझाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लगा दीजिए, इसके लिए मिलेगा आपको 30 सेकेंड, और जहाँ पे मुझे, मैं हिंदी का जुगाड़ कर लेता हूँ वहाँ दे देता हूँ, जहाँ नहीं कर पाता हूँ नहीं देता हूँ भाई। चलिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यार देखो, तुमको तरीका एक जगह बताया था ना कि भाई जब ऐसा केस आ जाए ना, तो एक पैरेलल लाइन खुद ही ड्रा कर लो, ये एल वन है, ये इस केस के पैरेलल है, बस भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व। पहले इतना एंगल निकाल लो, फिर इतना एंगल निकाल लो, फिर इन दोनों मिला के जोड़ दो, हो जाएंगे एक्स। अच्छा जी, ये वाला एंगल कितना होगा? कहोगे भैया 180 माइनस 108, ये हो जाएंगे साहब 8 2 10, मतलब 72। कितना? 72। अच्छा इनको निकालते हैं भाई साहब, ये साहब होंगे 180 माइनस 112। अरे भाई क्यों कर रहा हूँ, लीनियर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण, समझा बुझा? हाँ सर, 12 8 20 20 60 68। अच्छा जी, तो 72 में 68 जोड़ दे का, 8 2 10, अच्छा 13 1 14 140। मजा आया? अरे मजा आया भाई, मजा आया तो ताली ठोको ना। चलिए
27 का आंसर 140 जिसका जिसका आ रहा होगा, बढ़िया आ रहा होगा, ये सवाल लगाओ मजा आ जाएगा। आधा मिला तो क्वेश्चन में देख के घबरा जाएंगे, आधा मिला तो यही देख के डर जाएंगे। डरना नहीं है तुम्हें, डराने के लिए पढ़ा रहा हूँ क्या? यहीं पे डर जाओ, एग्जाम में नहीं डरना है। और चीजों को शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाइए, अपनी फैमिली को बड़ी करनी नहीं है क्या तुम्हें? है अपने परिवार को बड़ा नहीं करना चाहते हो तुम लोग? नहीं चाहते हो कि हमारा परिवार बड़ा हो, हम एक बड़ी कम्युनिटी में के मेंबर हो? छोटे में ही रहना चाह रहे हो? शेयर किया करो। चल, थ्री स्ट्रेट लाइन एक्स वाई जेड, एक स्ट्रेट लाइन साहब ये है, एक वाई है, एक जेड है, आर पैरेलल, कह दिया भाई साहब, ये साहब तीनों जो है ना पैरेलल है। अच्छा जी, एंड द एंगल्स आर शोन एज इन द फिगर अबव, एंगल ए एफ बी इक्वल टू, ए एफ बी खोजिए भाई साहब, ए एफ बी ये वाला एंगल कितना होगा? अब आएगा असली मजा, यहां लगाना होगा तुम्हें दिमाग, अब आएगा असली मजा, देखता हूँ कौन आंसर निकालता है पहले तब इसमें तब। चलो भाई 10 मिनट झेल लो, लाइट कट गई है, ठीक है, सब कुछ बंद हो गया है, बट वीडियो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। चल तो भाई साहब क्वेश्चन लग रहे हैं, दिमाग लग रहा है? लग रहा है भैया, ये 80 है तो ये कितना होगा? 80 है, जितना कम से कम तुम खोज पाओ उतना तो खोजो फटाफट। ये 125 है, ये 125 है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कितना होगा? ओके भैया 125, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि भैया ये 125, ये 80, तो ये कितना हो गया? कुछ ज्यादा हो गया क्या? हाँ, गलती क्या हुई पता है? अभी बताता हूँ, तुम लोग तो बताओगे नहीं भाई साहब। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, तो ये 125, तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 125, 25, 25 50 प्लस 30, 50 ऐसे नहीं हो पाएगा क्या? 55 ये तो आएगा, नहीं आ रहा है क्या? ये हो जाएगा 55, 55 प्लस 80 करेंगे तो 135, तो ये कितना हो जाएगा? ये नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए, हम इसको सीधा ही बता देंगे कि 135 है साहब, कितना है? 135, क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है तो बता दो, ये कितना होगा? क्योंकि भैया ये 30 होगा, क्यों 30 होगा? ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 30, ये 135, 165 मिल गया है, बचा कितना? क्योंकि भैया 15 है तो बच रहा है। व्हाट वी हैव टू डू हियर, 135 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180, व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट 15 डिग्री। ऐसे अंग्रेजी बोलना जरूरी है, मैं तुम लोग सोचोगे भैया को अंग्रेजी नहीं आती है। ठीक है, डन बच्चों, मजा आया ये सवाल, ये बढ़िया सवाल था, थोड़ा दिमाग घुमा, थोड़ा दिमाग लगा, चलो बढ़िया, जिसको ना समझ आए दोबारा जाके देख लो, बढ़िया सवाल था। 29 क्वेश्चन नंबर 29, मजा आ जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी लगाइए भाई, जल्दी जल्दी लगाएंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो जल्दी जल्दी छोड़ दूंगा, छुट्टी कर दूंगा। अभी तो नाइन नाइन क्वेश्चन किए हो अभी तक, इतने में थक गए तुम लोग, थकते बहुत जल्दी हो तुम लोग। कौन कौन थक गया और कौन कौन नहीं थका है? इफ एंगल ई डी सी इक्वल टू एंगल ई बी ए, ई डी सी इक्वल टू एंगल ई बी ए, बिल्कुल 70 डिग्री, बी ई सी एंड 115, ये 115 है तो, और ई डी सी 70, तो फाइंड द डी सी बी, डी सी ई, डी डी कहाँ है साहब? डी सी ई, अच्छा ये चाहिए हमें, सबसे पहले हमें ये चाहिए, ठीक, और क्या चाहिए? ए ई बी, ए ई बी, अच्छा ये वाला चाहिए, ठीक है, क्लियर है, हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए। तो भाई साहब दोनों आसान है, बिल्कुल आसान क्यों है? क्योंकि देखो ये आप एक ट्रायंगल उठा लो और इसको मान लो आप एक्सटीरियर एंगल, क्या मानोगे? एक्सटीरियर, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो ये है एक्स, तो एक्स प्लस 70 किसके बराबर होगा? कहोगे भैया 115 डिग्री के, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहोगे भैया 45 डिग्री। तो भैया सबसे पहले तो ये ऊपर वाला ये ऑप्शन गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, अच्छा जी, उसके बाद ये एंगल चाहिए आप आपको, तो 180 में से 115 घटा दीजिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर का एंगल बन रहा है, तो 180 में से 115 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65। तो भाई साहब ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्योंकि भैया अब पूछेंगे क्या, ऑप्शन लगाना भी नहीं आएगा क्या हमको? हमें सब आता है,
आप बस हमें देखिए, दिखाइए, आप हमको पेपर तो दीजिए बढ़िया सा, पहले तो आप पेपर अपना सही कर लीजिए तब, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 30। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंड पी क्यू, एंड क्यू, पी क्यू कहाँ से आ गया, पी क्यू एंड क्यू आर कॉमा है ये, पी क्यू क्यू आर इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी, पी क्यू और क्यू आर जो है ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करते हैं एट ई एफ जी एच, ई एफ जी एच अलग अलग पॉइंट, गिवेन दैट पीई बी इक्वल टू 80 डिग्री, पीई बी की वैल्यू कितनी दी गई है 80 डिग्री, एंड क्यू एच डी की वैल्यू कितनी दी गई है 120 डिग्री, क्यू एच और डी 120 डिग्री, ठीक है बेटा। उसके बाद पी क्यू आर इक्वल टू एक्स और एक्स पता करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें ये पता चल जाएगा क्या, क्योंकि यस भैया ये लीनियर पेयर से हम निकाल लेंगे और लीनियर पेयर से हमारा आ जाएगा 120, ये है तो ये साफ हो जाएंगे 60। बिल्कुल डन है भाई, ये 60 होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में पूछते रहेगा। ये साहब 80 है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो भाई साहब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये 80 होंगे, होंगे ना, होंगे बिल्कुल होंगे। अगर भाई साहब ये 80 होंगे तो ये कितने होंगे, क्योंकि भैया ये 100 होंगे, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, तो ये 80 तो ये 100, ये 100 है ये 60 है, तो ये कितने बचे साहब, 20 ही ने बचे हैं, क्योंकि इतना आसान तो सवाल था सर, आप झूठे इतना हवा बना देते हैं, हम लोगों को डरवा देते हैं। बिल्कुल डरिए मत, सवाल लगाइए, डरना नहीं है, इस सवाल को लगाना है, सबको लगाना है। बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूँ और 30 सेकेंड आपको दे रहा हूँ, सवाल लगाइए, मजा आएगा। सवाल लगाइए, सवाल लगाइए, तभी मजा आएगा। मैं को मत देखिए, मेरे स्क्रीन, मैं तो दिखूं चाहे मत दिखूं, सवाल दिख रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है ना, वो मैटर करता है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे रिप्रेजेंट हूँ, दैट्स डजंट मैटर हियर, व्हाट मैटर्स ओनली द कंटेंट मैटर्स, द कंटेंट क्वालिटी मैटर्स एंड द क्लास मैटर्स। चलिए, तो यहाँ पे एक्स वाई और पी क्यू पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है, फाइंड एक्स और वाई, इतने एंगल आपको दिए गए, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। देखो भाई साहब फटाफट निकालना शुरू करो, ये 60 है, ये 35 है, तो भाई साहब ये टोटल कितना हो रहा है पहले मुझे बताओ, क्योंकि भैया ये हो रहा है 95। तो मैं देखो तेज बना रहा हूं मैं, तुम यहीं पे ये निकालते फिर 180 में से घटाओ ना, ये सब काम क्यों करोगे भाई साहब, आपके पास ये 95 है और ये 20 है, ये आपका इंटरनल अपोजिट एंगल है, तो ये 20 है तो कितने होंगे, क्योंकि भैया ये 75 होंगे, बिल्कुल क्लियर है, डन है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ये पूरा चाहिए, पूरा क्यों चाहिए, अगर आप ये पूरा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहां से यहां तक ये 60 था, इस चीज को ध्यान दो, केवल यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये 60 था, तो ये भी 60 होगा, बिल्कुल 60 होगा भैया, अगर ये 60 है तो भाई साहब ये 60 नहीं होगा क्या, ये भी 60 होगा, तो ये साहब कितने होंगे 40, 95 ज्यादा आ गया क्या, कोनो गलत आ गया क्या, अच्छा नहीं 75 और 40, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर, समझ में आया, मजा आया, मजा आया तो लाइक तो कर दो यार, हैं अभी तक लाइक नहीं किए हो। इस सवाल को मैं दूंगा आपको होमवर्क, यहाँ पे लगाना है दिमाग, और दिमाग मैं क्यों लगाऊं, पहले तो तुम लोग लगाओ होमवर्क, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, और यहीं पे आपकी क्लास भी खत्म करनी पड़ेगी। बिजली साहिबा यहाँ पर वापस अभी तक नहीं आई है जब तक मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई होप क्लास पसंद है, सॉरी क्लास पसंद आया होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा, और जितने बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप कहाँ मिलेगा आपको, रैंकर्स लाइव के प्ले स्टोर पर जाकर उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास कब चलने वाली है, 6:30 बजे, किसकी, कुणाल सर की, ठीक है। चलिए, तो जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकता है, 299 रुपीज ओनली, 1 अगस्त तक ये प्राइज होगा, 1 अगस्त के बाद हम प्राइज बढ़ा सकते हैं, और उससे पहले आप लोग इनरोल कर लीजिए, कहीं ये ना पहुंच जाए फिर मेरे को बताना भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आप तो प्राइस बढ़ा दिए, तो टाइम तो दे रहा हूँ भाई, पूरा 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, जितना जल्दी चाहते हो उतना जल्दी खरीद लो, ठीक है। 1 अगस्त से आपका प्रीमियम टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है, डन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत मजा आया होगा क्लास में,
होमवर्क वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो, कोई भी दिक्कत हुआ हो उसको भी कमेंट करिएगा। आपके हेल्दी क्रिटिसिज्म और कॉम्प्लीमेंट और सजेशंस का ऑलवेज वेलकम है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 6:30 बजे कुणाल सर के और 7:30 बजे मेरी ही रीजनिंग की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।